शहनाज गिल आजकल अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी हैं। जिस तरह शहनाज का लेटेस्ट में एक पेंडिंग शूट चल रहा है जिसका नाम है सब फर्स्ट क्लास, जो कि वरुण फुकरा के साथ में वो मूवी होगी जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा चर्चाहित बनी हुई है। शहनाज गिल की ये मूवी कितना ज्यादा ट्रेंड करेगी यह हमें आने वाला वक्त बताएगा, मगर अभी छोटे से वीडियो के टाइटल से आपने आइडिया लगा लिया होगा कि शहनाज गिल का नाम कितना ज्यादा बड़ा था। वो नाम जो अपने आप के अंदर एक बड़ा ब्रांड बना हुआ है, वो नाम जो ब्रांड ही नहीं बल्कि तमाम सब लोगों के दिलों पर राज करता है और सब पल पल का फैंस इंतजार करते हैं शहनाज गिल का अब आने वाला स्टेप क्या होगा, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा स्टेप अभी लिया नहीं है मगर उससे पहले इतना ज्यादा एक्साइटेड। तो वो सारी चीजें जो चीजें इंडस्ट्री के अंदर शहनाज गिल ने एक आंखों में सपने सजाए थे वो आज सारे पूरे हो रहे हैं। चाहे भले ही एक सपना ना पूरा हुआ हो, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में लाइफ टाइम साथ रहना, मगर वो कहते हैं कि कुदरत का भी इसके अंदर कोई ना कोई करिश्मा होगा जो सिद्धार्थ शुक्ला हम सभी के बीच में से चले गए। मगर फिलहाल शहनाज जिस तरह से वो सपने को पूरा कर रही है, वो अपने अंदर सभी लोगों को लेकर के एक साथ जी रही है, चल रही है सिद्धार्थ शुक्ला से। सिद्धार्थ शुक्ला का यह सपना था कि शहनाज गिल एक बड़ी स्टार बने, बड़ी कामयाबी हासिल करे, आज वो सारी चीजें धीरे धीरे करके पूरी हो रही है और इंडस्ट्री में शहनाज गिल का नाम कितना ज्यादा बड़ा हो गया है यह हम सब ने अपनी आंखों से इस नाम को चढ़ते हुए देखा, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए देखा पहाड़। एकदम सफलता हमारे पास में नहीं आकर खड़ी हो जाती है या फिर हम इतने बड़े नहीं बन जाते हैं अचानक से कि बस मानो के हमारे ही नाम के चर्चे चलते रहे। शहनाज ने एक एक स्टेप लिया और धीरे धीरे करके काम करती चली गई। वो सिद्धार्थ शुक्ला का सपना ही नहीं बल्कि तमाम सभी फैंस भी शहनाज को टूट कर चाहने लगे, सपोर्ट दिखाने लगे उस नाम को और ज्यादा ऊंचा ले जाने में। नतीजा हम सभी के सामने मौजूद है जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शहनाज काम कर रही है। सलमान खान के साथ में शहनाज गिल का कोलैब रहा था, शहनाज ने काम किया, सलमान खान ने मौका दिया, साथ दिया, लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाते हुए ट्रोलिंग का एक बड़ा नया फेज बना लिया कि बस सलमान खान का हाथ है, सलमान खान का हाथ है, इसलिए बन गई। मेहनत भी कुछ होती है, सलमान खान ने तो ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस को बनाने की कोशिश की है मगर वो बाद में अपने नाम को खुद ही गिरा लेती हैं बिना मेहनत किए। बस सलमान खान का सपोर्ट है तो इसलिए हम चलेंगे डेफिनेटली, तो वो नहीं चले अब वो उनका घमंड कह लो या फिर उनकी मेहनत ना करना कह लो। तो इसलिए सलमान खान के सपोर्ट के साथ साथ शहनाज ने अपना एफर्ट दिया, अपनी मेहनत लगाई, उन सारी मेहनत के नतीजे हम सभी के सामने आते गए और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में चाहे बड़ा सेलिब्रिटी हो या फिर छोटा सेलिब्रिटी हो आज के डेट में हर कोई काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है शहनाज गिल के साथ में, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए शहनाज गिल की आने वाली अपकमिंग जो मूवीज हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। जिस तरह सब फर्स्ट क्लास का शूट चल रहा है ऑलरेडी शहनाज गिल जिसका शूट कर रही है, आने वाली अपकमिंग मूवीज उसके बाद भी हैं, पहले किसी का भाई किसी की जान बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद थैंक यू फॉर कमिंग, चाहे भले ही छोटे छोटे रोल थे मगर मैंने कहा था कि उससे संतुष्टि लो क्योंकि वो शहनाज गिल के पास में एक जरिया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने का। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें बाकी हैं जिससे हम बहुत ज्यादा खुश होंगे, जैसे सब फर्स्ट क्लास शहनाज कितना ज्यादा कसरत के साथ शूट कर रही है एंड सेकंड चीज आने वाली अपकमिंग मूवी का धीरे धीरे करके खुलासा हो जाएगा जिसमें सबसे पहला नाम सामने आ रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो एक्टर जो अपने आप के अंदर एक बड़ा कलाकार है जिसकी सराहना शहनाज ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री करती है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ में शहनाज गिल का एक बड़ा कोलैब हो सकता है आने वाले टाइम में मूवीज, है ना। और सेकंड है इसमें नाम शाहिद कपूर का। शाहिद कपूर के साथ में भी शहनाज गिल काम कर चुकी है, देसी वाइब्स विद शहनाज गिल में शाहिद कपूर आए थे, अपना रिएक्शन दिया था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, मानो कि शहनाज को पता नहीं कब से जानते हो, वो रिएक्शन हमें देखने को मिला था, बहुत अच्छा लगा था। तो इसमें पहला नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, दूसरा नाम शाहिद कपूर का, इन दोनों के साथ में शहनाज गिल की आने वाली अपकमिंग मूवी साइन हुई है या नहीं ये बहुत जल्दी ही कंफर्मेशन होगा, मगर उससे पहले हो सकते हैं पूरे 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 चांस है शहनाज गिल के वो करने के लिए। एंड जितना भी सब अपडेट है शहनाज गिल का
वो भी यूं नहीं पहुंच पा रहा है कि अभी शनास अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे रही हैं सभी फैंस के लिए एक बड़ी क्रिएटिविटी बनाकर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो बस उसमें शनास थोड़ा सा बिजी है, इसलिए कोई भी अपडेट नहीं आ रहा। जो भी वीडियोस आ रहा है उससे आप काम चलाते जाओ, जो भी सारी चीजें शेयर की जाती हैं उसको आप देखो। उम्मीद करते हैं कि शनास गिल आने वाले टाइम में बहुत कुछ करके दिखाएंगी, मगर जो अब ये जो पिक्चर का खुलासा हो रहा है ना, इसका मैं बहुत जल्दी ही अपडेट शेयर करूंगा जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगता है शनास गिल की आने वाली अपकमिंग मूवी के से रिलेटेड कुछ भी अपडेट होगा तो डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। मगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर शाहिद कपूर, इन दोनों में से कौन हो सकता है या फिर आप शनास को इन दोनों में से किसके साथ में देखना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट में लिख के जरूर से बताना।